वेलकम बैक टू माई किचन। आज हम बनाएंगे पंजाब के फेमस छोले कुलचे। ये खाने में बड़े ही टेस्टी होते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में हम तेल को गर्म करेंगे। इसमें हम जीरा डालेंगे, रेगुलर नमक डालेंगे हम इसमें, थोड़ा सा हम इसमें काला नमक डालेंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार लाल मिर्च डाल लेंगे। इसको मिलाकर उबले हुए हम इसमें सफेद चने डाल देंगे। अब हम इसमें उबले मैश किए हुए आलू डालेंगे, ब्री कटा प्याज, ब्री कटी इसमें हरी मिर्च डालेंगे, इसको मिलाएंगे। अब हम इसमें ब्री कटा टमाटर डालेंगे, धनिया की पत्ती डाल देंगे, इमली की चटनी डालेंगे हम इसमें, थोड़ा सा हम इसमें अमचूर पाउडर डालकर सबको हम मिलाएंगे। फिर हम इसमें नींबू का रस निचोड़ लेंगे, इसको भी हम अच्छी तरह मिला लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जी हमारे कुलचे के जो फीलिंग है वो तैयार है। तवा हमने गर्म कर लिया है। अब हम कुलचा लेंगे। देखिए कुलचे को हम इस तरह से काट लेंगे, पूरा नहीं काटना हमें, थोड़ा सा ही काटना है। देखिए इस तरह से इसके बीच में इस तरह से जगह बना लेंगे। देखिए हम मैंने आधा काटा है, आधा ही काटना है। इसलिए इसके बाद तवे को तेल लगाकर हम गर्म कर लेंगे। कुलचों को हम दोनों तरफ से अच्छी तरह सेक लेंगे इस तरह से। देखिए फिर हम इसको चने से भर लेंगे। देखिए इस तरह से हम सारे कुलचों को भर लेंगे। ये मैंने सारे कुलचे भर लिए हैं। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। देखिए कुलचे बनके तैयार हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।